दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशि फल 2023। कर्क राशि वालों, कैंसर साइन वालों, आपके लिए कैसा रहेगा नया वर्ष 2023, आपकी किन उम्मीदों को पूरा करने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों 2023 में चार ग्रहों के प्रमुख परिवर्तन होने वाले हैं। चार ग्रहों के प्रमुख परिवर्तन जान लेते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जो प्रमुख परिवर्तन है, शनि का 17 जनवरी 2023 को कुंभ में प्रवेश होने वाले हैं शनिदेव। और दूसरा परिवर्तन जो होने वाला है वो गुरु का परिवर्तन है, मीन में गुरु का प्रवेश होगा 21 अप्रैल 2023 को मेष में बृहस्पति का प्रवेश होगा, मीन में तो वर्तमान में है। और राहु और केतु का परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा, ये राहु मीन में केतु कन्या में जाएंगे। तो ये चार प्रमुख परिवर्तन हैं। वैसे तो यहाँ पर प्रत्येक ग्रह कभी एक महीने में सूर्य का परिवर्तन होता है, तो मंगल का परिवर्तन 1.5 महीने में हो जाता है, तो ऐसे ही चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में हो जाता है। तो चंद्रमा का परिवर्तन तो हम बिल्कुल यहाँ पर लगा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रत्येक दिन को दिखाता है। बाकी ग्रहों के परिवर्तन हमने यहाँ पर देखे हैं और उसके अनुसार आपका राशिफल तैयार किया है। तो आइए जानते हैं आपके लिए यह 2023 क्या लेकर आने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, विवाह, योग के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों आपको एक जानकारी और दे दें कि यह 2023 का राशिफल आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। और एक जानकारी और कि अगर आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है लव टिप्स विद अतुल जी, उस पर आपको लव राशिफल मिलता है। इस वीडियो में आपको लव राशिफल में मतलब लव लाइफ और मैरिड लाइफ नहीं बताते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या स्थिति बन रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, जॉब इत्यादि की आपके लिए क्या स्थिति बन रही है। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो कर्क राशि वालों, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मार्च से पहले स्थितियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज्यादा खास हैं, क्योंकि आपके शिक्षाधिपति मंगल पूरी तरह से संबंध बनाएंगे आपके पंचम भाव पर, और पंचम भाव से संबंध बना करके आपसे खूब मेहनत कराएंगे। आपकी रणनीति, आपके प्लान, आपकी मेहनत सफलता की ओर ले जाएगी आपको, और आपके हर तरीके से आपको मजबूत करके रखेगी। तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष के शुरुआत में ही बहुत श्रेष्ठतम समय है, उसके बाद में ये मंगल बहुत ज़्यादा आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी कड़ी मेहनत कराएंगे। अगर अप्रैल, मई, जून में कोई परीक्षा होती है तो उसमें 100% आपके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और आपको सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अप्रैल, मई, जून से बढ़िया समय नहीं रहेगा पूरे 2023 में। कोई भी शिक्षा में बदलाव है या अपनी नीति में, रणनीति में, प्लानिंग में, कोई भी अगर अपनी लाइफ में, दिनचर्या में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इस बीच में कीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की स्थितियाँ इस वर्ष 21 अप्रैल से पहले थोड़ी खराब रहेंगी, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी तब भी खराब रहेंगी, लेकिन 21 अप्रैल के बाद में चीज़ें फिर भी ठीक हो जाएंगी। खराब उन लोगों के लिए रहेंगी जो बाहर का खाना पीना करते रहते हैं और 21 अप्रैल के बाद में भी करते रहेंगे, उन लोगों के लिए खराब है। वैसे स्थितियां आपके लिए खराब नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम उनको ही होगी जो मोटापे से ज़्यादा ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा होगी। पेट संबंध विकार आपको जून और अगस्त में ज़्यादा उत्पन्न होंगे, जिससे आपको थोड़े इन्फेक्शन इत्यादि की भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको सावधानी की ज़रूरत है। ये कोई आपको प्राकृतिक बीमारियां नहीं लगने वाली हैं, ये आपकी गलतियों से ही आपको लगने वाली हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इन बीमारियों के लिए आपको स्वच्छ रहना, अपने आप का ख्याल रखना है। तो कोई भी स्वास्थ्य हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन इत्यादि इत्यादि के लिए आप सोच रहे हैं, कोई भी गंभीर रोग है आपका, तो सबसे ज़्यादा वर्ष के शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च सबसे बेस्ट है इस इलाज को कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए। तो आप अगर इसमें करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपका हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपके हेल्थ इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। आपके लिए परिवार की अगर बात करें तो परिवार की स्थिति सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी बीते वर्षों के मुताबिक। देखा जाए तो बीते वर्षों के मुकाबले इस वर्ष
सबसे ज्यादा शानदार परिवार की स्थिति रहेगी, परिवार में हर्ष उल्लास का माहौल रहेगा, खुशियां और स्नेह बना रहेगा। अगर यहाँ पर बात करें शत्रु इत्यादि के बारे में, शत्रु कोर्ट कचहरी के बारे में, तो शत्रु बाधा से आपको भयभीत होना पड़ेगा अप्रैल मई जून में। इस समय के दौरान आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, कोर्ट कचहरी के झंझट वाद विवाद सबसे ज़्यादा इसी बीच में बढ़ेंगे, शत्रुओं से परेशानी, शत्रु अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसी बीच रहेंगी और इस बीच में बहस झगड़े लोगों से जल्दी हो जाया करेंगे। और वैसे तो आपको जनवरी से लेकर के जुलाई तक बहुत ज़्यादा अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहेंगे। तो शत्रु इत्यादि में आपको जरूर दिक्कतें होंगी, लेकिन जुलाई अगस्त के बाद में समझ लीजिए कि आपके शत्रु अपने आप ही हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और आपसे हार मान जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको इस वर्ष डरने की जरूरत नहीं है शत्रुओं से, अगर आप सच्चे रास्ते पे हैं तो आपको डगमगाना नहीं है, आपको चलते जाना है। चिढ़ने वाले जलने वाले आपके खुद के दोस्त ही आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जलने लगे, बहुत सारी स्थितियां गुप्त शत्रु की स्थिति मंगल में बनती है, तो मंगल गुप्त शत्रु भी आपको अप्रैल में देगा, तो इस बीच में आपको थोड़ा सावधान रहना है। अब यहां पर बात करें कर्ज की, तो कर्ज इस वर्ष सबसे ज्यादा आपसे लोग कर्ज मांगेंगे, अप्रैल में मई में इन महीनों में कर्ज बहुत ज्यादा मांगने आएंगे लोग, कर्ज मत देना क्योंकि पैसा फंस जाएगा, और अगर कितना भी सगे से सगा व्यक्ति है उसे पैसा मत देना, आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। और अगर पैसा इस बीच में आप लेते हैं किसी से और कहीं निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति से ना लेकर के अगर लोन कराते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा ये पैसा। अगर आपने एक रुपए भी लोन लेकर के लगा दिया, कहीं निवेश कर दिया अपने व्यापार में, अपने काम में, तो वो काम बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त करेगा और आप एक रुपए से लाखों रुपए बना लेंगे। कहने का मतलब है, उदाहरण रूप से आप समझिए कि आप इस चीज में अगर कर्ज लेकर के कहीं से लोन लेकर के पैसा निवेश करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। आपके लिए यहां पर देखा जाए तो आपके पार्टनरशिप के व्यापार में इस वर्ष सबसे ज्यादा आपको लाभ होने वाला है। पार्टनरशिप का व्यापार इतना ज्यादा आपका आगे बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, हर प्रकार से आपको तरक्की प्राप्त होगी। अगर आपका व्यापार इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है तो आप निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाले हैं पार्टनरशिप के व्यापार में, ये स्थिति है। अब बात करते हैं विवाह योग की, तो विवाह योग की अगर स्थिति देखी जाए तो इस पूरे वर्ष में आपके लिए विवाह के योग, सिर्फ और सिर्फ आपके विवाह के योग बहुत ज्यादा कम बन रहे हैं, ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा ना के बराबर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी केतु के द्वारा कह सकते हैं विवाह के योग हैं। केतु आपके नवंबर दिसंबर में विवाह के योग बनाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे विवाह के योग नहीं कह सकते हैं आपके लिए, बहुत अच्छे विवाह के योग नहीं है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, शनि वहां पर शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में आपकी वृद्धि करेंगे, धन लाभ आपको होगा, धन का निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा इस वर्ष। दुर्घटना इत्यादि से आपको बचना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं के संकेत भी इस वर्ष दिखाई देंगे, वाहन इत्यादि से दुर्घटना और करंट बिजली इत्यादि की दुर्घटनाओं से आपको बचना चाहिए, ये आपके लिए घातक साबित होंगे। अगर किसी प्रकार से आप बिजली का कार्य करते हैं या आपको कार्य नहीं भी करना है और ऐसे बिजली उपकरण इत्यादि में आप कहीं कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत तेज झटका लगेगा और बिजली का करंट आपको आपकी जान भी ले सकता है। भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य आपका ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा इस वर्ष, वर्ष के शुरुआत में थोड़ा बहुत भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद में भाग्य छीण होता चला जाएगा और किस्मत को रोते रहेंगे आप, किस्मत आपका साथ नहीं देगी, बहुत सारी हताशाएं निराशाएं आपको परेशान करेंगी केवल इस वजह से क्योंकि आप मेहनत कर रहे होंगे लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना बीते वर्षों में मिला है। करियर और प्रमोशन की अगर हम बात करें तो करियर प्रमोशन आपका इस वर्ष बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेगा। वैसे तो आपके लिए देखा जाए करियर प्रमोशन जॉब में आपके लिए वर्ष के शुरुआत में स्थितियां अच्छी हैं, अप्रैल तक स्थितियां बहुत अच्छी हैं जिसमें आपका प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, आपकी जॉब लग जाए। टीचिंग लाइन में अगर हैं तो 100% जॉब लग सकती है,
टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो टीचिंग लाइन में आपकी जॉब लग सकती है, प्रोफेसर इत्यादि लेक्चरर इत्यादि हैं तो उसमें आपकी जॉब लग सकती है, लेकिन अप्रैल के बाद में ये संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट से, आईटी सेक्टर से हैं या आप किसी प्रकार से इनकम टैक्स अधिकारी इत्यादि हैं तो वहाँ पर या इन क्षेत्रों में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको तरक्की मिलेगी, आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये स्थितियाँ पूरे वर्ष वैसे बनी रहेंगी। अगर यहाँ पर हम बात करें विदेश से धन लाभ की, तो विदेश से धन लाभ के संयोग कई बार बनेंगे लेकिन बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे जो अवसर आप खो देंगे। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना होगा। इस वर्ष भरोसा आपको अगर किसी पर ज़्यादा हो गया तो वो भरोसा आपके हर तरीके से नुकसान आपको दे जाएगा। दोस्तों यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।